अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आपको मेरे शो में जिसका नाम है न्यूट्रिशन फिलर्स और मैं हूँ मदिया। मैं आपको बताऊँगी न्यूट्रिशंस के बारे में बेसिकली एंड वी गोना हैव अ वेरी गुड मंथ फुल ऑफ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज। न्यूट्रिशंस आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट वी ऑल नो। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हमारी हर किस्म के खाने पीने की चीज़ में न्यूट्रिशन ज़रूर होते हैं। तो हम लोग अब बेसिकली आपको न्यूट्रिशंस के बारे में बताएंगे, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, क्या चीज़ें हमें डेली बेसिस पर यूज़ करनी चाहिए, नई ड्रिंक्स में यूज़ करना चाहिए। सो बेसिकली आज हम लोग बनाएंगे मैंगो स्मूदी, मैंगो पीच स्मूदी। हमने उसमें मैंगो लेना है एंड वी गोना हैव मिल्क एंड देन वी गोना हैव पीच एंड शुगर आइस। इट्स गोना बी वेरी सिंपल। रमज़ान का मंथ है तो ऑब्वियसली हम लोग जब रोज़ा रखते हैं तो हम लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है एंड एवरीबडी यू नो जब रोज़ा खुल जाता है तो हर इंसान बोलता है कि कुछ पीने के लिए चाहिए, समथिंग रिफ्रेशिंग, समथिंग वेरी कोल्ड, ठंडा, मज़ेदार। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी स्मूदी बनाना और उसके लिए फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली हमें अपना मैंगो के क्यूब्स करने एंड इसके भी हम चंक्स बनाएंगे पीच के भी। मैंगो में विटामिन ए, बी और सी बहुत ज़्यादा ऊंचे अमाउंट में मिलता है, इट्स इन अ वेरी हाई अमाउंट, और इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है एंड विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस। विटामिन ए से हमें ये फ़ायदा होता है कि कैंसर और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे हम लोग बच जाते हैं। पीच और मैंगो की स्मूदी इज़ अ वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन क्योंकि पीच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। पीच में भी हमें बहुत सारे विटामिन ए, बी, सी मिलता है और पीच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। पीच में हमें स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं एंड आई गेस आई एम डन विद द कटिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि इसका कितना अच्छा इफेक्ट और रिज़ल्ट आता है। विद शुगर एंड 1 कप ऑफ मिल्क। शुगर मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती बिकॉज आई डोंट लाइक मच शुगर, बट स्टिल आप लोग जितनी शुगर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। पीपल थिंक दैट मैंगो इज़ नॉट हेल्दी फॉर डायबिटीज़ के पेशेंट, बट इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर देम। उनके लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, इंजीरियस फॉर देम, इट्स वेरी गुड फॉर देम। एंड पीच इज़ गुड फॉर आवर स्किन। हम लोग स्किन के लिए हम इससे पैक्स बना सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एंड वो पैक अगर हम रात को लगाएं तो वो इट्स वेरी हेल्दी फॉर आवर स्किन। हम अपनी स्किन के लिए वो इट्स वेरी इफेक्टिव, मैंने खुद ट्राई करा है पर्सनली। सो आई एम गोना ब्लेंड इट नाउ विदाउट और हम इसको एक दफ़ा फिर से ब्लेंड करेंगे विदाउट आइस। हम इसको इसलिए ब्लेंड करते हैं क्योंकि इट्स यू नो वेरी कहते हैं थिक और गाढ़ा हो जाता है ये पहले स्टार्ट में कहा जब हम इसे आइस के बगैर ब्लेंड करते हैं, और जब आइस के साथ ब्लेंड करते हैं तो फिर थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन ब्लेंडिंग, एटलीस्ट इट लुक्स वेरी यम्मी। ब्राइट कलर्स बिकॉज ऑब्वियसली समर, ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं समर में एंड वेरी टेस्टी, मुझे दिखने में बहुत मज़े की लग रही है। तो ये ड्रिंक आप लोगों के लिए तैयार है, आप लोग अपने घर में बना के ट्राई कर सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की न्यूट्रिशन वाइज बहुत सारी हेल्प करूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती जाऊँ, मनपसंद वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल इट्स वेरी हेल्दी फॉर अस। विटामिन ए और डी बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में इसमें है और हम लोगों की फैमिली के लिए, आप लोगों की फैमिली के लिए इट्स वेरी हेल्दी। आई सीरियसली सजेस्ट यू गाइस टू यूज़ दिस वन। मैं न्यूट्रिशंस के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ तो मुझे ये बहुत पसंद है, मैं पर्सनली अपने घर में यूज़ करती हूँ। सो आई एडवाइस यू गाइस टू यूज़ दिस वन, इट्स गुड, इट्स लो ऑन कोलेस्ट्रॉल और बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है खाने का। अगर आप इसमें कोई चीज़ फ्राई करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आई हैव पर्सनली ट्राइड इट एंड यू नो इट्स वेरी डिलिशियस, ट्रस्ट मी आई हैव ट्राइड इट एंड यू नो इट्स वेरी हेल्दी।
So I suggest you guys to use this one. And your family is going to enjoy it. Take very good care of yourself. Aapke saath time bahut acha guzra. Apna bahut sara khayal rakhiyega. Inshallah next episode mein zarur milenge. Allah Hafiz.